चुका है यहाँ पर और टाइमर चालू होते ही दोनों लोग टूट पड़े हैं तंदूरी मसाला पड़े हैं तंदूरी लेकर और थाली भी आज कुंभकर्ण थाली है और देखते हैं खाली कर पाएंगे या नहीं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने थाली में मटन और तंदूरी रोटी लगी हुई है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मटन मसाला और तंदूरी रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है और यह चैलेंज ऐसे वैसे नहीं बल्कि कुंभकर्ण थाली चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मटन मसाला और तंदूरी रोटी के साथ हमारी आज प्लेट लगी हुई है, तो आज हमारा तंदूरी रोटी और मटन मसाला ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में जो है 7 तंदूरी रोटी है और मटन मसाला है 1-1 किलो। तो देखते हैं दोनों लोग 10 मिनट में अगर फिनिश कर लेंगे तो इनको मिलेगा 4,000 रुपये पुरस्कार, अगर नहीं फिनिश कर पाएंगे तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो देखते हैं ये लोग 10 मिनट में फिनिश कर पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो सामने मटन मसाला और तंदूरी की रोटी लगी हुई है, अगर 10 मिनट में खा लेते हैं दोनों योद्धा तो इनको मिलेगा 4,000 का नगद पुरस्कार। अगर 10 मिनट के अंदर नहीं समाप्त कर पाते हैं तो केवल मटन मसाला और तंदूरी रोटी का स्वाद लेकर जा सकते हैं। हाँ, तो हम चाहेंगे ऐसा नहीं लिया जाएगा। देखते हैं दोनों चैलेंजर फिनिश कर पाते हैं नहीं। शुरू हो जाइए आप लोग। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए, टाइमर थोड़ा सा ऊपर उठाकर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टाइमर चालू हो चुका है यहाँ पर और टाइमर चालू होते ही दोनों लोग टूट पड़े हैं तंदूरी मसाला पड़े हैं तंदूरी लेकर और थाली भी आज कुंभकर्ण थाली है और देखते हैं खाली कर पाएंगे या नहीं। बहुत बढ़िया, अगर खाली कर लेंगे तो इन लोगों को मिलेगा 4,000 रुपए का पुरस्कार। देखते हैं कि आज 4,000 की राशि कौन लेकर के जाते हैं और कौन मटन मसाला खा करके जाते हैं तंदूरी रोटी। मतलब बहुत गजब, बहुत बढ़िया और थाली भी बहुत बेहतरीन लग रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और फूलचंद जी तो खाने के साथ पानी भी पीना शुरू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पानी भी पी सकते हैं, बरोबर खा भी सकते हैं। और देखते हैं, हाँ अभी ट्रिक लगाए हैं फूलचंद जी, देसी वाली अपनी फार्मूला आजमाए हैं, देखो कहाँ तक जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और बहुत अच्छा है, लेकिन फूलचंद के हाथ से मटन छटकता नजर आ रहा है। ये मटन है, चिकन नहीं है कि हाथ से निकाल लोगे। मटन का जब तक दांत नहीं लगाओगे तब तक निकलेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। छटकते छटकते रह जा रहा है फूलचंद के थाली से और मुंह से निकल के भागा जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यासीन जी पूरी धैर्यता से जो है अपना परिचय दे रहे हैं और गजब का जो है चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, और हमको लग रहा है दोनों चैलेंजर आज विनर होने वाले हैं। बहुत गजब, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो कुंभकर्ण थाली है, इस थाली को अगर खाली करते हैं तो इनको मिलेगा 4,000 का नगद पुरस्कार केवल 10 मिनट में। और दोनों लोग खाली कर देंगे दोनों लोगों को इनाम मिलेगा। लेकिन फूलचंद ऐसा खिंचाई कर रहे हैं मटन का, तो वो भी बेचारा डर के मारे इधर उधर हो जा रहा है। और जो तंदूरी रोटी बनी है बहुत मुलायम, बहुत बढ़िया बनी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। और हमको लग रहा है यसीम जी के फोन आने लग गया है। आने लग गया है नहीं, आ रहा है इस समय, घंटी बज रही है। लेकिन घंटी नहीं सुनेंगे आज चैलेंज देख करके। अगर घंटी सुने कि 4,000 गया। बहुत गजब, बहुत अच्छी कोशिश है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय फूलचंद पानी का चुस्का लेते हुए चुस्ता के साथ मटन खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इस समय नंबर 1 पे चल रहे हैं तो फूलचंद और मोहम्मद यासीन जी। और हमको लग रहा है 5 मिनट में ये लोग खाली कर लेंगे, 10 मिनट नहीं लगाएंगे। आज 4,000 मतलब 8,000 हमारे गए तो गए, हमको नहीं लग रहा है ये लोग छोड़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 4 तंदूरी फूलचंद के थाली में और 4 ही तंदूरी मोहम्मद यासीन जी के थाली में बचा हुआ है। और देखिए कितनी देर में ये लोग समाप्त करते हैं पूरी तंदूरी और। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और अभी मोहम्मद यासीन जी तीसरी रोटी में खेल रहे हैं, जबकि आज फूलचंद जी मोहम्मद यासीन जी को पीछे कर देंगे। फूलचंद जी इस समय चौथी रोटी खाना चालू कर दिए हैं। बहुत अगर आज फूलचंद जी अपना फायर कर दिए तो इनके 1,000 रुपए बोनस में मिल जाएगा। और आज फायर नहीं किए तो तोप चल जाएगी। हाँ। क्योंकि फूलचंद और तोपचंद फायरचंद दोनों लोग एक साथ बैठ चुके हैं, क्योंकि अगर 10 मिनट के अंदर खा लेंगे विनर भी हो जाएंगे तो 5,000 इनाम मिलेगा। बहुत गजब। और तोपचंद जी आपको तोप से गोला छोड़ना पड़ेगा, एक्सीलेटर लगाना पड़ेगा। अगर एक्सीलेटर नहीं लगाते हैं तो उधर अगर फायर हो गया तो आप एकदम
बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, मतलब सीधा उड़ जाएंगे। बहुत गजब। देखते हैं फायर चंद जी, देख रहे हैं फायर चंद जी गिराते हैं यासीन जी को कि तोपचंद जी फायर चंद। लेकिन मोहम्मद यासीन की समझदारी तो देखिए, मटन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मटन ज्यादा खा रहे हैं और तंदूरी आराम से खा रहे हैं। अब हाथ लगा है दोनों लोग खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ दोनों हाथ लगा दिए हैं दोनों चैलेंजर। 744 हाथ पावर दिखाना है आपको। अभी बताएंगे कौन सा ठेसर लगाए थे। मोहम्मद यासीन जी रोटी के कई टुकड़े कर लिए हैं। बहरहाल अभी बहुत बढ़िया, इनके थाली में 3 रोटी है जबकि बराबर चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। गुलचंद के थाली में 2.5 रोटी बची हुई है। बहुत बढ़िया, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सीलेटर देना है और मोहम्मद यासीन जी लगभग एक्सीलेटर दे चुके हैं और ये एक्सीलेटर स्वराज ट्रैक्टर का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। पवन जी क्या लगता है किसके पलड़े में जाएगा 4000 रुपये? 5000 रुपये लेने वाले हैं तो फायर चंद जी ही लेने वाले हैं हमको लग रहा है। 1000 बोनस भी है। 1000 बोनस अगर दो में कोई भी 10 मिनट से पहले विनर हो जाएगा, मतलब दोनों चैलेंजरों में जो सबसे पहले खाएगा उसी को मिलेगा। बहुत गजब, बहुत अच्छी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बूस्टर प्लान चालू हो चुका है कि अगर 10 मिनट के अंदर खा लेते हैं तो 1000 रुपये बूस्टर प्लान के अनुसार इनाम अलग से दिया जाएगा। और मटन को बिल्कुल खींच खींच के खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। पिछली बार मटन बना था तो बिल्कुल गल गया था, इस वजह से इन लोगों को पता नहीं लग रहा था। भैया इसे खींचना कि दांत मारना मत निकाल लेना, नहीं तो दांत भी बाहर आ जाए। और ये जो है मटन है तो खींच कर खाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया, लड़ाई कर रहे हैं पूरा। इसलिए पवन जी कह रहे हैं देखिए कि मटन के साथ जो है दांत ना निकल जाए। तो मोहम्मद यासीन जी बहुत ही सूझबूझ से इस समय चला रहे हैं और मटन और तंदूरी दोनों साथ बहुत है, बहुत अच्छी लेकर चल रहे हैं। लेकिन फूलचंद जी के थाली में इस बार बहुत गजब जो है, बहुत अच्छी कोशिश है, उठा है रोटी और एक रोटी बची हुई है, शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इस समय 6वीं रोटी को जो है तोड़े हुए हैं फूलचंद। बहुत बढ़िया। और मोहम्मद यासीन जी इस समय आप जो है तूफान मचाने वाले हैं और इस समय दोनों रोटी एक साथ जो है तोड़ रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश। और देखिए दोनों रोटी एक साथ खा लेते हैं कि फूलचंद दिन से पहले खा लेते हैं। बहुत बढ़िया, फुल कोशिश कर रहे हैं और हमको लग रहा है आज तोपचंद जी बिल्कुल हौसला अपने 100% दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और तोपचंद अब तोप बन रहे हैं और ये देखिए पहले तोड़ के लगे हुए हैं उन्हीं की तरह जो है फूलचंद भी पूरी तरह से रोटी को टुकड़े में विभाजित कर लिए हैं। कह रहे हैं आज बोनस वाला पैसा छोड़ना नहीं है, बोनस वाला पैसा नहीं छोड़ना है, रोटी ही बड़ी बात नहीं है, चिकन भी खाना पड़ेगा। अगर चिकन रोटी साथ में समाप्त करते नहीं, हैं मटन है, मटन ओहो सॉरी मटन और तंदूरी साथ में समाप्त करते हैं 10 मिनट के अंदर, तभी जो है ये बूस्टर प्लान भी और इनाम की राशि वाला प्लान के हकदार होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। हमको लग रहा है चिकन मटन रोटी छोड़ो, ये लोग सलाद भी नहीं छोड़ेंगे, सब खा जाएंगे। बहुत बढ़िया। और ये रहा देखिए किस तरह से जो रोटी को जो है भिगो रहे हैं। और फायर चंद जी इधर उधर नहीं देख रहे हैं आज, नहीं तोपचंद भी पूरी तरह से हौसले में हैं इस समय। बहुत बढ़िया, और उस हौसले को बरकरार रखे हैं क्योंकि इनके बहुत नॉर्मल बाइट पड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, मटन को छोड़कर जितना मटन फूलचंद के थाली में है उतना ही मटन यासीन जी के भी थाली में भी है। और थोड़ा स्पीड बनाने की जरूरत है यहाँ पर क्योंकि टाइमर 7:35 का सफर हमको लग रहा है कहीं टाई ना हो जाए मैच आज। टाई होने के फुल कगार पर है क्योंकि उतना ही उतना, लेकिन बाइट पहले रोटी की खत्म हुई है तो आराम से यासीन जी की आराम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा लीजिए। इंजन एयर ले लिया है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गजब। और ये रहा लास्ट मोमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। मोहम्मद यासीन जी का लास्ट मोमेंट चल रहा है और मोहम्मद यासीन जी पूरी तरह से 8 मिनट
20 सेकंड में प्लेट को बिल्कुल खाली कर दिए हैं, तो मोहम्मद यासीन जी विनर हो चुके हैं और फारचंद जी भी हमको लग रहा है 10 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, कर लेंगे थोड़ा सा जो है। हाँ, थोड़ी सी गाड़ी मतलब रिवर्स गियर में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा लीजिए, आराम से खा लीजिए, अभी समय काफ़ी है आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। तो हमको लग रहा है एक पीस से रह जाएंगे फारचंद जी। नहीं, एक पीस से नहीं रह पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, पूरा अपना 100% दिखा रहे हैं। नहीं तो जिस हौसले से फूलचंद जी आए हैं, मोहम्मद यासीन जी आए हैं, उस हौसले को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 9 मिनट कुछ सेकंड हुआ है, 9 मिनट 10 सेकंड हुआ है, सलाद बचा हुआ है फारचंद जी का, तो सलाद भी है शर्त में, टर्म कंडीशन में सलाद भी है, तो सलाद खा रहे हैं सलाद भी, और इनके लिए ताली भी बज रही है। इतनी जद्दोजहद के बाद जो है ये पहुंचे हैं 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से समाप्ति की ओर। फिर भी फारचंद जी आए, हौसला दिखाए, 10 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं फारचंद जी भी। फारचंद जी के हौसले के लिए फारचंद जी का धन्यवाद करते हैं, और तालियां बज चुकी हैं, तो फारचंद जी को भी 4000 इनाम की राशि मिलेगी और यासीन जी को 5000 इनाम की राशि मिलेगी, क्योंकि यासीन जी 10 मिनट में विनर भी हुए हैं, मतलब फारचंद जी से जीत भी गए हैं, तो इनको 5000 की इनाम की राशि दी जा रही है। और आप लोग हाथ धो लीजिए और तुरंत कैश ले लीजिए। दोनों लोग आए, दोनों लोग हौसला दिखाए, दोनों लोग का धन्यवाद करते हैं, और हमारे पास आज कैश चुक गया है, इनाम ज़्यादा बोल दिए हैं, इसलिए हम चिल्लर इकट्ठा करके ले आए हैं, और दोनों लोगों के साथ दे दे रहे हैं अपना 4000-5000 रुपये, इसी में से काउंट करके ले लेंगे लोग। भैया बहुत भारी है, इसको हटाओ, प्लेट उसको प्लेट हटाइए, प्लेट हटाइए, नहीं नहीं पकड़ लीजिए अपना भैया, लो लो लो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो इनाम की राशि दी जा रही है, तो दोनों लोग जो है एकदम पूरी तरह से कैश दिया जा रहा है, आप लोगों को थोड़ा क्लोथ दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सिक्का पर सिक्का एकदम जमा हुआ है, और दोनों लोगों के चेहरे की मुस्कान तो देख लीजिए, आज पहली बार इतना जो है कैश पाए हैं, लोग तगड़ा चैलेंज किया और दोनों लोग जीत गए हैं, दोनों लोगों को हम बिल्कुल कैश दे दिए हैं, तगड़ा वाला कैश दे दिए, तो दोनों लोग अपना इसमें से काउंट करके 4000-5000 निकाल लेंगे, और जो भी बचेगा हमारे को वापिस कर देंगे। हाँ भैया, काउंट कर लीजिए, यहाँ नहीं घर पे जाके काउंट, नहीं नहीं घर पे मेहमानी कर लो भैया, काउंट कर लो काउंट करो, कैसे किया जाए। तो इन लोगों को गिनती करके दे दे रहे हैं, और ये लोग आए हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, और आप लोगों को यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत बढ़िया चैलेंज लगा। तो अपने आप काउंट कर, और आप लोगों को पैसा कैसे लगा? ये पैसा बहुत अच्छा, बच्चे लोग को दे देंगे, मेला देखेंगे, मैं आज मेला भी है, आज मेला है, तो आज पैसा भी बहुत अच्छा मिला है, आपको चेंज भी नहीं कराना होगा बच्चों के लिए। तो बहुत सारा चेंज इन लोगों को दे दिए हैं, और अपना काउंट कर लेंगे और ले लेंगे, क्योंकि हम काउंट करेंगे कहीं कम है तो फिर गिनती करना पड़ेगा, इसलिए इन लोगों के ऊपर विश्वास है, हमें भरोसा है, और अपने हिसाब से काउंट करके ले लेंगे, हम लोग ईमानदारी से गिनती करके ले लेंगे, बाकी जो शहर आपको बच्चे को वापस कर देंगे। हाँ, तो काउंट कर लीजिए आप लोग, यहाँ समय लगेगा। हाँ, नहीं काउंट कर लीजिए आप लोग, आराम से बांट लीजिए ना, कौन समय है, हम लोग बांट लेंगे घर गिनती करके। तो चलिए ठीक है, बांट लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ काउंट करके ले जाना है, नहीं सारी पूर्ण प्लेट ही उठा ले जाओ साले, बाद में हम ढूंढते रह जाए आप लोग कहाँ गए, पूरा खजाना खाली कर दिया हमारा, काउंट कर लो, ठीक है जाओ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग इतना पैसा काउंट कर लिए हैं और काउंट कर रहे हैं, जैसे पूरा काउंट कर लेंगे उसके बाद ये लोग अपना अपना अमाउंट ले लेंगे, और इस चैलेंज को यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 44, 45, 44, 48, 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